दोस्तों आपने ये तो देखा ही होगा कि सांप ने इंसान को काटा और उसकी मौत हो गई, लेकिन क्या आपने ये देखा है कि इंसान ने सांप को काटा और उसकी मौत हो गई हो? ऐसे तो नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ लोगों की आंखें नीली क्यों होती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है? आखिर लिफ्ट में मिरर क्यों लगा होता है? अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, नेपाल में एक किसान अपने धान के खेत में काम कर रहा होता है, तभी एक कोबरा आकर उसे काट लेता है। गुस्से में आकर किसान ने भी सांप को बदले में इतना काटा कि उसकी मौत हो गई। इस किसान का नाम मोहम्मद सलमुद्दीन है, जिनके गांव के एक सपेरे ने उन्हें कहा था कि अगर तुम्हें कोई सांप काटे तो बदले में उसे तब तक काटते रहो जब तक उसकी मौत ना हो जाए और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सांप को मारने के बाद मोहम्मद सलमुद्दीन अपने परिवार वालों के कहने पर हॉस्पिटल तो गए, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। नंबर 2, दोस्तों आपने टीवी में या रियल लाइफ में नीली आंखों वाले लोगों को तो देखा ही होगा, जो बहुत कम होते हैं, और उससे भी बहुत ज्यादा कम हरी आंखों वाले लोग होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कुछ लोगों की आंखें नीली हरी कलर की क्यों होती है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंसान के भूरे रंग की आंखों का असली कलर होता है, जबकि आंखों का नीला या हरा कलर आंखों में मेलानिन की कमी से होता है, जिसकी वजह से आंखें नीली या हरी कलर की होती है, जो एक तरह से खूबसूरत और अच्छा भी लगता है। गाइस, आपके आंखों का कलर कौन सा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 3, दोस्तों आपने साउथ कोरिया के लोगों के बारे में बहुत सारे अजीबोगरीब फैक्ट तो सुने होंगे, लेकिन साउथ कोरिया के बारे में ये फैक्ट जानकर आप लोग फिर से चौंक जाएंगे। जहाँ दुनिया के हर देश में 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं साउथ कोरिया में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी के बजाय 14 मार्च को व्हाइट डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ जिन लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, यानी जो सिंगल्स होते हैं, वो इस दिन व्हाइट डे की जगह ब्लैक डे मनाते हैं। नंबर 4, क्या आप यकीन करेंगे अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे भारत देश में इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है? आप लोग जरूर चौंक गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर है। इस जानवर का नाम है क्वाला, जो पेड़ पर रहता है, जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है। दरअसल आधार कार्ड बनाने के लिए फिंगरप्रिंट बहुत जरूरी होता है, और क्वाला के फिंगरप्रिंट इंसानों के जैसे होते हैं, जिसकी वजह से इस जानवर का आधार कार्ड बनाना पॉसिबल है। नंबर 5, आप में से बहुत लोगों ने लिफ्ट का यूज तो किया ही होगा, और ये जरूर गौर किया होगा कि लिफ्ट में हमेशा मिरर लगा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लिफ्ट में हमेशा मिरर क्यों लगा होता है? पहले लिफ्ट में मिरर नहीं लगाया जाता था, जिससे लोगों का ध्यान लिफ्ट के स्पीड पर ही रहता था, और उन्हें लगता था कि लिफ्ट गिर जाएगी, जिससे उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता था। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिफ्ट बनाने वालों ने लिफ्ट में मिरर लगाने का आइडिया सोचा, जिससे लोगों का ध्यान लिफ्ट के स्पीड पर ना रहे और उन्हें कंफर्टेबल फील भी हो और वो बोर भी ना हो। इसी वजह से लिफ्ट में हमेशा मिरर लगाया जाता है।